शाली बद्री की कहानी। शालीग्राम में एक गरीब विधवा रहती थी। उनका नाम धन्या था। वो अपने संगम नामक पुत्र के साथ रहती थी। संगम नगरजनों के पशुओं को चरवाता था। किसी पूर्वोत्सव में सब घरों में बनती हुई खीर देखकर संगम ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे लिए तू खीर क्यों नहीं बनाती। माता सोच में आ गई कि ओह गरीबी क्या चीज़ है, मेरे पुत्र को क्या पता। हाय गरीबी, मैं अपने इकलौते बेटे का एक सामान्य मनोरथ भी पूर्ण नहीं कर सकती। ऐसे विचारों से धन्या रोने लगी। उसके रुदन से पड़ोसी स्त्रियों को पता चला। उन्होंने घी दूध शक्कर आदि खीर की सामग्री माता को दी। इस सामग्री से खीर बनाई और अपने बेटे को परोसा। फिर किसी कार्यवश बाहर गई। इधर कोई मासुपवासी जैन मुनि महाराज भिक्षा लेने के लिए पधारे। उनको देखते ही संगम ने विचार किया, ये सचेतन चिंतामणि रत्न जंगम कल्प वृक्ष और कामधेनु रूपी मुनि महाराज मेरे भाग्य से इस समय यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मुझ जैसे गरीब को ऐसे उत्तम पात्र का योग कहाँ मिलता है। यह सोचकर संगम ने तुरंत ही माँ की परोसी हुई अपनी थाली की पूरी खीर अपूर्व भाव उल्लास के साथ मुनि को बहरा दी। संगम बहुत खुश हुआ, उसके आनंद का कोई पार ही नहीं। फिर बाहर से आकर माँ ने संगम को फिर से खीर परोसी। माँ सोच में पड़ी कि संगम ने इतनी जल्दी सारी खीर कैसे खा ली। संगम ने माँ को मुनि के प्रवेश और खीर बहराने का नहीं बताया। आकंड खीर खाने से संगम को अजीर्ण हुआ और दर्द से पीड़ित होते हुए उसी रात मुनि को किए हुए दान की अनुमोदना करता हुआ मरकर राजग्रह नगरी के गोभद्र सेठ और भद्र सेठानी के यहाँ पर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम शालीभद्र तथा पुत्री सुभद्रा थी, जिसका विवाह धन्ना सेठ से हुआ। शालीभद्र का विवाह 32 श्रेष्ठी कन्याओं के साथ संपन्न हुआ था। तत्पश्चात गौभद्र सेठ देवलोक गामी हो गए। पुत्र का अत्यधिक मोह था, अतः दिव्य वस्त्राभूषण और भोजन आदि वह भेजा करते थे। इस तरह शालीभद्र 32 नारियों के साथ साथ खंड महल में भोग भोगते हुए विचार कर रहा था। एक बार कंबल बेचते हुए व्यापारी राजग्रह नगरी में आए। एक कंबल का मूल्य 1,00,000 रुपये था। राजा श्रेणिक ने कंबल खरीदने से मना कर दिया, जिससे व्यापारी उदास बैठे हुए थे। यह बात भद्र सेठानी की दासी को पता चली। उसने सेठानी के पास समाचार दिया कि इस तरह व्यापारी आए हैं, उसके पास रत्न कंबल है। माता भद्रा ने 16 के 16 कंबल खरीद लिए तथा उसके 2-2 टुकड़े करके 32 पुत्र वधुओं में वितरित कर दिए। बहुएं तो देव वस्त्र पहनती थी, उन्हें ये साधारण लगे। उन्होंने हाथ मुंह पोंछकर कूड़ेदानी में फेंक दिए। वह टुकड़े महतरानी अपने साथ ले गई। उसमें से एक टुकड़ा ओढ़कर महतरानी राजमहल में सफाई करने चली जाती है। उसे देखकर रानी चेलना पूछती है, तू यह कहाँ से लाई। उसने सब बात बताई। चेलना रानी को बड़ा आश्चर्य होता है। दूसरे दिन वह राजा श्रेणिक से आग्रह करती है कि मुझे एक कंबल चाहिए। राजा ने पता किया तो पता चला कि वह कंबल तो भद्र सेठानी ने खरीद लिए। राजा भी आश्चर्यचकित हुए। तब राजा श्रेणिक ने भद्र सेठानी से कहा कि शालीभद्र को यहाँ लाओ। तब सेठानी ने अपने यहाँ ही आमंत्रण दे दिया। भद्र सेठानी खूब जोर शोर से राजा के सत्कार की तैयारी करती है। जब राजा श्रेणिक आए तो वहाँ के वैभव को देखकर चकित रह गए। भद्र सेठानी ने शालीभद्र से कहा, बच्चा राजा श्रेणिक आए हैं, इसलिए नीचे आओ। शालीभद्र ने राजा को देखा तक नहीं था। माता से कहता है, माता खरीद कर खजाने में रख दो। पुत्र की इस बात पर माता हंसती है और कहती है, पुत्र राजा श्रेणिक खरीदे नहीं जा सकते हैं, वे तो मगध के सम्राट हैं, हम सबके मालिक हैं, तुम्हें मिलने के लिए हमारे यहाँ पधारे हैं। शालीभद्र माता के कहने से आए तो सही, लेकिन विचारते हैं कि मैं तो मानता था कि मेरा कोई स्वामी नहीं है, यह मेरी धारणा गलत है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो अपना मालिक स्वयं ही रहना है। यह सोचते सोचते उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। प्रभु महावीर के पास दीक्षा लेने का निश्चय किया। शालीभद्र विचारता विचारता जब राजा को प्रणाम करता है तो राजा उसे अपनी गोद में बिठाते हैं, लेकिन उसे तो वह भी कठोर लगी, वह व्याकुल हो गया।
तब माता ने कहा, राजन इसे आप छुट्टी दे दीजिए, इसे मनुष्य की गंध परेशान कर रही होगी। इसके पिता देवता हैं, वे ही पुत्र पुत्रवधुओं के लिए दिव्य वस्त्र आदि भेजते हैं। राजा ने उसे मुक्त कर दिया। तब शालीभद्र विचारते हैं कि ये भोग मेरे काम का नहीं है, प्रतिदिन एक एक नारिकर छोड़कर मैं 32वें दिन संयम ले लूँगा। ये बात सुभद्रा बहन को पता चली। भाई दीक्षा ले रहे, अरे मेरा कोमल भाई दीक्षा कैसे पालेगा? अतः वह दुखी होती है, आँखों में आंसू टपक पड़ते हैं। उस समय वह अपने पति को स्नान करा रही थी। उष्ण अश्रु बिंदु धन्ना की पीठ पर पड़े तो उन्होंने ऊपर की ओर देखकर पूछा, सुभद्रा तुम्हें क्या किसी ने कुछ कह दिया या फिर और कुछ कमी है? धन्ना सा पति पाकर तुम्हें दुख है? जल्दी से बात बताओ। सुभद्रा ने अपना दुख प्रकट कर दिया कि एक ही भाई है, वह भी दीक्षा ले रहा है। एक एक नारी रोज छोड़ देगा, 32वें दिन दीक्षा ले लेगा। बस इतनी सी बात, तुम्हारा भाई कायर है, जब छोड़ना ही है तो सबको एक साथ छोड़ दे, देरी किसके लिए? सुभद्रा को ये वाक्य तीखे तीर जैसे लगे और उसी भावावेग में कह गई, स्वामी कहना सरल है और करना कठिन है। धन्ना जी के लिए यही वाक्य वैराग्य बोधक हो गए, तत्काल सबको छोड़ दिया। शालीभद्र के पास आए और बोले, शालीभद्र कायरा सा ये कैसा था? मैं तो आज ही दीक्षा ले रहा हूँ। शालीभद्र भी बहनोई के साथ उसी समय चल पड़ते हैं प्रभु महावीर के पास, दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। तत्पश्चात काल करके शालीभद्र देव बने और धन्ना जी मोक्ष में पधारे। भद्र सेठानी ने दीक्षा ग्रहण करके आत्मकल्याण किया। तमने आ वीडियो गम्यो होए तो मारा वीडियो ने लाइक करो और मारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज ने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।